नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिप्ला कंपनी के कफ सिरप सिरप के बारे में। इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके MRP, किस टाइप की प्रॉब्लम में सिरप यूज़ की जाती है, इससे जुड़ी हर जानकारी आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो एंड तक देखिए, और अगर आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। सो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं, सिप्ला कंपनी की कफ सिरप सिरप है किस लिए यूज़ किए जाते हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम में इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सिरप है खास तौर पर यूज़ की जाती है शॉर्ट थ्रोट के लिए। अगर आपको शॉर्ट थ्रोट हो रहा है, जैसे कि गले में खराश है या फिर गले में आपको दर्द हो रहा है, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जैसे कि खांसी हो गई है और आपको दोस्तों खांसी जो है ठीक नहीं हो पा रही, जैसे कि आपको जो है वीट कफ हो रही है, ड्राई कफ हो रही है, या फिर दोस्तों स्पैस्मोडिक कफ है, और देखा जाए तो कन्वलसेंट कफ है, किसी भी टाइप की अगर आपको खांसी है तो उसमें ये आप ले सकते हैं। अगर आपको जैसे कि कोल्ड डिजीज़ हो गया है, जैसे जुकाम हो गया है, और जुकाम भी आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें भी ये आप जो है ले सकते हैं। जबकि ये खांसी, जुकाम और गले की खराश के लिए बहुत ही अच्छा सीरप है दोस्तों। गाइस, अगर सीरप के अंदर इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें देखा जाए तो हनी डाली गई है, मुनक्का डाले गया है, तुलसी डाली गई है, एस्टी मधु डाला गया है, और मैं आपको इसमें बना फसा है, और जैसे कि इसमें मैं बात करूँ तो इसमें वसा डाली गई है। कुछ ऐसे इसमें इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट हैं। और ये दोस्तों, ये जो सीरप है, ये आपके मैं बात करूँ तो एक रेस्पिरेटरी हेल्थ को भी प्रमोट करती है, और आपके अगर आपको चेस्ट कंजक्शन हो रहा है, नेजल कंजक्शन के सिम्टम्स हो रहे हैं, या फिर आपको जैसे कि थ्रोट इरिटेशन हो रही है और आपको एक स्क्रैचीनेस के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उसमें भी आप इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि ये सिरप दोस्तों 100 ml में अवेलेबल आपको मिल सकता है, और अगर इसके MRP की बात करें तो आती है 90 rupees की। आपके जो नज़दीकी जो एलोपैथिक फार्मेसी है वहाँ से आप इसे ईजिली ले सकते हैं। तो इसे कैसे यूज़ किया जाए जिन पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए दोस्तों क्या करें, जो कि एडल्ट है तो एडल्ट इसकी जो है 2 चम्मच लें, गर्म पानी से लें, और एक दिन में इसको 3 से 4 बार ही ले सकते हैं। और अगर बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम है तो उनके लिए दोस्तों आप जो है 5 ml दें, 1 स्पून आपको देना होगा, वो भी गर्म पानी से दें, हल्के गुनगुने पानी में दे सकते हैं। जैसे कि 1 स्पून आपने सिरप लिया और 1 स्पून आप इसमें वाटर यूज़ करें, उनको भी आप एक दिन में 2 से 3 बार ही दे सकते हैं। और दोस्तों, इसे कब तक यूज़ किया जा सकता है जिन पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप इसको थोड़ा कंटिन्यू यूज़ करें। अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा पुरानी है तो इसको बराबर यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये अल्कोहल फ्री है और जो कि ड्राउजीनेस फ्री है, अच्छी कंपनी का दोस्तों सिरप है। सो दोस्तों, मैंने इसकी कंप्लीट नॉलेज दे दी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। सो इस वीडियो में पेंड करते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।